अभी जो मैंने प्रॉब्लम भेजा है उसमें आपको दिया है, देसाई ब्रदर्स एंड शाह ट्रेडर्स डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू फर्म कॉल्ड देशा एंड कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑन 1 जनवरी 2014 व्हेन देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दिया गया है, सबसे पहला कैपिटल है अरुण, वरुण, तरुण और वरुण, उसके बाद क्रेडिटर्स और बैंक लोन, फिर एसेट साइड में बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और कैश एट बैंक। अभी टर्म्स ऑफ अमालगमेशन, इन टर्म्स ऑफ देसाई ब्रदर्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 20,000, गुडविल की वैल्यू दी है 20,000। देसाई ब्रदर्स पार्टनर्स टू टेक ओवर इट्स बैंक लोन इक्वली, अभी बैंक लोन जो है वो इक्वली देसाई ब्रदर्स के जो पार्टनर्स है इक्वली टेक ओवर करेंगे। बिल्डिंग वॉज टू बी टेकन टू बी वर्थ ₹60,000, 60,000 बिल्डिंग का वैल्यू कंसिडर करना है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 30,000, स्टॉक का वैल्यू 30,000 कंसिडर करना है। बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, ऑलरेडी 5% है। उसके बाद इन केस ऑफ शाह ट्रेडर्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 10,000, गुडविल की वैल्यू 10,000 है। बिल्डिंग वॉज टेकन एट 80,000, बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 है। बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 है। इन्वेस्टमेंट वेयर नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म विच वेयर टेकन ओवर बाय वरुण एट 10,000, इन्वेस्टमेंट वरुण ने टेक ओवर किया है 10,000 को। स्टॉक का वैल्यू 42,600 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वर टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, ऑलरेडी 5% है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ देसाई ब्रदर्स एंड शाह ट्रेडर्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आफ्टर अमालगमेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परचेज कंसिडरेशन, इसमें जो दो फॉर्म है देसाई ब्रदर्स और शाह ट्रेडर्स, देसाई ब्रदर्स और शाह ट्रेडर्स, उसके बाद नए फॉर्म का नाम है देशा एंड कंपनी, देशा एंड कंपनी। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहला रूलिंग करते हैं। बॉर्डर बनाए, अभी रूलिंग करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर में सबसे पहला बिल्डिंग है, बिल्डिंग का देसाई ब्रदर्स का 60,000 है,
और इसका 80,000 दिया है। साठ हजार, 80,000, टोटल 140,000। उसके बाद बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू दिया नहीं है तो बैलेंस शीट का वैल्यू लेना है। फर्नीचर 6,000, फर्नीचर 6,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का भी नया वैल्यू दिया नहीं है तो बैलेंस शीट का वैल्यू लेना है। और दूसरे फर्म का इन्वेस्टमेंट लिया नहीं है तो सिर्फ पहले का ही लेने का है, 30,000। तो आपको केयरफुली देखना है कौन सा लिया है और कौन सा नहीं लिया। इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक, स्टॉक का नया वैल्यू दिया नहीं है, दूसरे फर्म का दिया है, पहले का दिया नहीं है। तो स्टॉक नहीं, इसका भी लिया है, 30,042,670,600। बहुत केयरफुली आपको देखना है, स्टॉक 30,042,600, टोटल 72,600। ठीक है, स्टॉक के बाद डेटर्स है। डेटर्स का आरडीडी आपको नीचे लेना है, 20,000, 75,000, 95,000। उसके बाद कैश आउट बैंक, कैश आउट बैंक कभी बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। तो उनकी वैल्यू 10,000 और 10,400 है। टोटल 20,400। उसके बाद गुडविल लेने को भूलना नहीं है, गुडविल पहले फर्म का 20,000, दूसरे का 10,000, टोटल 30,000। फिर टोटल लेते हैं, टोटल एसेट्स टेकन ओवर, टोटल एसेट टेकन ओवर 1,76,000। फिर इधर का टू लाख 18,000। और दोनों का टोटल 3,94,000। इसको क्लोज करेंगे, एसेट्स की टोटल। उसके बाद लाइबिलिटीज टेकन ओवर, उनको लेस करना है। लाइबिलिटीज टेकन ओवर में सबसे पहला आरडीडी लेंगे, नहीं तो भूलने को होगा। आरडीडी सबसे पहला, डेटर्स का 20,000 है, 20,000 का 5%, और दूसरा 45,000 है, 45,000 का 5%, 3,750। फिर ये दोनों की टोटल 4,750। आरडीडी के बाद क्रेडिटर्स, उसका वैल्यू दिया नहीं है तो बैलेंस शीट का वैल्यू देने का है, 20,000, 46,000 और 66,000। क्रेडिटर्स 20,000, 46,000
और 66,000, ठीक है। और बैंक लोन पहले फर्म का टेकओवर किया है, दूसरे फर्म का नहीं किया है, तो बैंक लोन दूसरे फर्म का लेने का 34,000 और टोटल 34,000। फिर ये क्लोज करते हैं, टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर, अभी ये लाइबिलिटीज की टोटल क्लोज करेंगे, टोटल एसेट्स को ए नाम देंगे, लाइबिलिटीज को बी नाम देंगे, और परचेस कंसिडरेशन आएगा ए माइनस बी, ये 1,55,000 आ गया। दूसरा 134,250 और फाइनली टोटल 289,250। इनको क्लोज करते हैं तो ये पीसी का नोट हो गया। अभी लेजर बनाएंगे, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट देसाई ब्रदर्स के रूप में, एक पेज छोड़ने का है। फिर अगला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है अरुण और वरुण, पार्टनर्स के नाम अरुण और दूसरा वरुण, आप पे छोड़ दो। इसके बाद न्यू फॉर्म, नए फर्म का नाम है देसाई एंड कंपनी, देसाई एंड कंपनी अकाउंट। अभी अपना फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया है, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल है, कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 30,000। उसके बाद क्रेडिटर्स और बैंक लोन लायबिलिटी है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 20,000 बैंक लोन 10,000,
टोटल 30,000। उसके बाद एसेट्स है, टू सेकेंडरी एसेट्स, सेकेंडरी एसेट्स में बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, स्टॉक 34,000, डेटर्स 20,000, कैश एट बैंक 10,000, इनकी टोटल लेते हैं 1,20,000। अभी एडजस्टमेंट क्या क्या है, सबसे पहला गुडविल लिया है और देसाई के पार्टनर्स बैंक लोन टेक ओवर करने वाले हैं इक्वली, तो इधर बाय अरुण्स कैपिटल बाय वरुण्स कैपिटल बाय, अभी ये लोन है तो ये लाइबिलिटीज है, ये टेक ओवर करने की एंट्री डेबिट में आएगी टू अरुण्स कैपिटल टू वरुण्स कैपिटल टू अरुण्स कैपिटल बैंक लोन। बैंक लोन की अमाउंट आधा अरुण लेगा, बैंक लोन है 10,000 का, 10,000 का आधा 5,000 अरुण लेगा, बाकी का वरुण लेगा। तो अरुण और वरुण में आपस में बांट दिया 5,000। अभी ये कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन बैंक लोन। अमाउंट है 5,000। अगर ये इक्वली दिया नहीं रहता था तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते थे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आपको दिया नहीं है तो इक्वली आता था। ओके, तो देसाई ब्रदर्स ने बैंक लोन टेक ओवर किया है, और क्या टेक ओवर किया है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट पीसी का एंट्री करते हैं, पीसी का एंट्री बाय देशा एंड कंपनी, पीसी की अमाउंट है 1,55,000, अभी ये न्यू फर्म के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,55,000, उसके बाद ये क्लोज करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट निकालते हैं, क्रेडिट का टोटल,
1,85,000 में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। सबसे पहले ये टोटल कैलकुलेट करते हैं, 1,85,000, फिर प्रॉफिट निकालते हैं, 1,85,000 में से ऊपर का माइनस करेंगे, प्रॉफिट दोनों में इक्वली डिवाइड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरुण और बरु। अभी 55,000 का आधा कैलकुलेट करना है, 27,500, और नीचे का भी उतना ही आएगा। इक्वली डिवाइड किया, 20 को क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट और प्रॉफिट को, उसके बाद टोटल लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं। उसके बाद टोटल को क्लोज करेंगे, ये जो प्रॉफिट आ गया है ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड। अभी इनका जो बैलेंस आएगा वो हम लोग न्यू फॉर्म को ट्रांसफर करेंगे। टोटल इधर की भी टोटल 60,500, उसके बाद ये ट्रांसफर करेंगे टू देशा एंड कंपनी अकाउंट। ये ट्रांसफर करते हैं देशा कंपनी के क्रेडिट में बाय अरुण्स कैपिटल बाय बरुण्स कैपिटल। फिर इधर बाय बरुण्स कैपिटल, और ये दोनों के टोटल 1,55,000।
अभी ये क्लोज हो गया। अभी दूसरे कंपनी का करते हैं, दूसरा कंपनी है शाह ट्रेडर्स, उसका लेजर बनाते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स के नाम तरुण वरुण, इसको हाफ पेज छोड़ के फिर न्यू फर्म अकाउंट देशा एंड कंपनी, ठीक है। तो ये अकाउंट्स ओपन किया, अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चालीस हजार और 65,000। उसके बाद क्रेडिटर्स और बैंक लोन, बाय सेंडरी लाइबिलिटीज, सेंडरी लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 46,000, और फिर बैंक लोन 34,000। टोटल 80,000। उसके बाद एसेट्स, टू सेंडरी एसेट्स, सेंट्री एसेट्स में बिल्डिंग 41,000, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट 12,000, इन्वेस्टमेंट 12,000। उसके बाद स्टॉक 46,600, नेक्स्ट डेटर 75,000, कैश एट बैंक 10,400, तो ये पोस्टिंग हो गया। टोटल लेते हैं, वन लाख 85,000। अभी एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट वरुण ने लिया है 10,000 को, तो बाय वरुण्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10,000,
बाय वरुण कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10,000 और इसका डबल इफेक्ट कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट 10,000 टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट लिया है वरुण ने लिया है। कॉलम्स बराबर आपको चेक करना है कौन टेक ओवर है, गलती से वरुण के कॉलम में आएगा। फिर उसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। पीसी रिकॉर्ड करते हैं, पीसी की अमाउंट है बाय केशा एंड कंपनी 134,250 डबल इफेक्ट इधर डेबिट में टू रियलाइजेशन 134,250 क्लोज करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला क्रेडिट का टोटल क्रेडिट की टोटल 224,250 ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड। अभी इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं, $39,250 प्रॉफिट। अभी ये पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल तरुण और वरुण तरुण आएगा 39,250 का हाफ और वरुण भी उतना ही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो इक्वली बांटने का अभी 39,250 का आधा लेने का है। $19,625 अभी अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट और प्रॉफिट
उसके बाद लाइबिलिटीज क्लोज करते हैं। उसके बाद ये टोटल अभी प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। नाइनटीन सिक्स ट्वेंटी फाइव। अभी इनका जो बैलेंस होगा न्यू फॉर्म को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू देशा एंड कंपनी। सबसे पहले टोटल आएगा टोटल लेंगे 59,625 और इधर की 84,625। इधर की टोटल 59,625 इधर की 84,625। अभी इधर बैलेंस निकालेंगे 59,625 से। ये पहले का बैलेंस 59,625 और दूसरे का 10,000 माइनस करके 74,625। टोटल को क्लोज कर देते हैं। अभी ये देशा एंड कंपनी के क्रेडिट में आएगा बाय टरुण्स कैपिटल बाय तरुण कैपिटल बाय वरुण्स कैपिटल। और दूसरा वरुण का 74,625। अभी ये दोनों की टोटल टैली हो जाएगी 134,250 और इधर की भी सेम है। इसको क्लोज करेंगे। इसको भी क्लोज करेंगे। अभी न्यू फर्म के बुक्स में बैलेंस शीट बनाते हैं। इधर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ देशा एंड कंपनी।
बैलेंस शीट में सबसे पहला कैपिटल आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में अरुण वरुण तरुण वरुण, अरुण वरुण तरुण और वरुण, इसमें डायरेक्टली पीसी के वैल्यू लेने हैं, कुछ चेंज नहीं हो गया है। 59,625, 74,625 और अरुण और वरुण के अमाउंट है 92,500, 62,500। अभी इनकी टोटल आउटर में आएगी, उसके बाद एसेट्स देखते हैं, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 66,000, बैंक लोन 34,000। क्रेडिटर्स 66,000 और बैंक लोन 34,000। आरडीडी डेटर से माइनस करना है, उसके बाद एसेट साइड में बिल्डिंग 1,40,000, फर्नीचर 6,000, उसके बाद फर्नीचर 6,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, स्टॉक 72,600, डेटर्स 95,000, डेटर्स टोटल में से आरडीडी लेस करना है, टोटल 95,000, आरडीडी 4,750, आउटर इनर में लेना है, बैड डेट्स माइनस करना है, 4,750, माइनस करके डेटर्स का वैल्यू आएगा, डेटर्स के बाद कैश एट बैंक और गुडविल, कैश एट बैंक 20,400, गुडविल 30,000,
भी देखते हैं टैली होती है क्या। थ्री लाख एटी नाइन टू फिफ्टी टैली हो गई। अभी क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, थैंक यू।